गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में तुलना। तो इस टॉपिक से हम देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और स्थिर विद्युत बल में क्या कुछ समानताएं पाई जाती हैं और क्या कुछ असमानताएं पाई जाती हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे समानताएं की, कौन से गुण मिलते हैं इन दोनों से। तो सबसे पहला जो गुण है कि स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों क्या हैं, केंद्रीय बल हैं। ये दोनों कौन से बल हैं, ये दोनों केंद्रीय बल हैं तथा लगने वाला बल दोनों केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के अनुरूप लगता है। ठीक, तो ये पहला समानता है कि ये दोनों बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल कैसे हैं, दोनों केंद्रीय बल हैं। केंद्रीय बल यानी मान लीजिए ये कोई हमारा अर्थ है, ये इसका केंद्र यहाँ है, ये कोई हमारे पास गेंद है और इसका अर्थ इसका केंद्र यहाँ है। ठीक, दोनों केंद्रीय बल हैं, यहाँ और यहाँ केंद्र पे बल लगता है और तथा लगने वाला बल दोनों केंद्र से होकर जाने वाली रेखा के अनुरूप लगता है। जाने वाली रेखा के अनुरूप मतलब अगर इन दोनों के रेखाओं को हम मिलाएंगे ऐसे, तो ये इसके एकदम जो रेखा इन दोनों केंद्रों को जोड़ रही है, तो उस रेखा के अलोंग ये बल काम करता है। ठीक, तो ये था इसकी पहली समानता। अब हम समझते हैं दूसरी समानता क्या है। दूसरी समानता ये है कि ये दोनों बल किसको फॉलो करते हैं, कौन से नियम को, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर के। तो हम कहेंगे ये दोनों बल दूरी के व्युत्पन्न वर्ग नियम का पालन करते हैं। मतलब दूरी के व्युत्पन्न वर्ग के नियम का मतलब क्या, हम लोग फार्मूला पढ़े थे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी व्युत्पन्न क्रमानुपाती। तो ये क्या होता है, इसको फॉलो करते हैं कैसे, तो हम लोग फार्मूला देखे थे इसका, कूलम लॉ में पढ़े थे के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर। तो देखे थे यहाँ पे आर का स्क्वायर। इसी टाइप से अगर गुरुत्वाकर्षण बल का आप देखेंगे तो जी बराबर हो जाता है आपका जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि F के नीचे ये किसमें है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर, और यहाँ भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये थी दूसरी समानता और इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी समानता की। तीसरी समानता ये है कि इनका जो बल है ये काफी अधिक दूरी तक कार्य कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई वस्तु यहाँ रखी है और कोई वस्तु कुछ दूर पे है तो ये बल कम हो जाएगा या नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि पृथ्वी यानी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से हर चीज़ को अपने तरफ खींचती है। तो यहाँ पे जो बल लगता है वो दोनों बल क्या होगा, तीसरी पॉइंट, दोनों बल अधिक दूर तक कार्य कर सकते हैं। दोनों बल अधिक दूर तक कार्य कर सकते हैं। ठीक, अब एक लास्ट पॉइंट क्या है इसमें समानता, ये है कि ये दोनों बल कैसे हैं, संरक्षी हैं। दोनों बल संरक्षी हैं। दोनों बल संरक्षी हैं यानी इसको समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ए है और एक दूसरा पॉइंट बी है और एक तीसरा पॉइंट सी है।
तो यहां से यहां तक लगने वाला बल ए से बी और बी से सी तक लगने वाला बल किसके बराबर होगा? ए सी के। तो यहां मतलब हमारा कहने का मतलब है ए बी प्लस ए सी में, अरे ए बी प्लस बी सी तक जितना बल लगा है वो बराबर हो जाएगा किसके? ए सी के। तो ये कहलाता है संरक्षी, यानी जो भी बल लग रहा है उसका क्या हो जा रहा है? संरक्षण हो जा रहा है। तो दोनों बल संरक्षी हैं। तो ये था समानताएं। अब हम बात करते हैं इसके असमानताएं कि अलग अलग कौन से गुण हैं। एक जैसे बल तो देख लिए कि इसमें क्या मिलता जुलता गुण है, लेकिन ऐसे कुछ अलग भी गुण हैं जो नहीं मिलते हैं एक दूसरे से, जैसे कि असमानताएं। इन दोनों में असमानताएं क्या है? पहला पहला असमानता क्या है? अभी तक आप पढ़े हैं तो आप लोगों को अब तक समझ में आ चुका होगा कि जो ये स्थिर विद्युत बल है ये आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल लगा सकता है, लेकिन आपने ये कभी नहीं सुना होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल ये प्रतिकर्षण बल लगाता है। ये हमेशा और हमेशा कौन सा बल लगाता है? आकर्षण बल लगाता है। तो यहाँ पे हम पहली पॉइंट क्या लिखेंगे कि स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। आगे आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या लगाएगा? हमेशा आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण बल लगाता है और जो स्थिर विद्युत बल है वो आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगा सकता है। तो एक असमानता तो ये हो गया। ठीक, अब दूसरी पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है कि आप देखे हैं कि जो स्थिर विद्युत बल है उसके लिए माध्यम चाहिए। ये माध्यम पे निर्भर करता है। अगर कोई माध्यम चेंज हो जा रहा है तो बल में बदलाव आ जा रहा है। जैसे हम कल कूलम के लॉ में पढ़े थे कि अगर हम कोई भी चीज दो आवेशों के बीच में माध्यम डाल दे रहे हैं तो बल में देख रहे थे अंतर आ जा रहा था विद्युतशीलता की वजह से। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि जो स्थिर विद्युत बल है, स्थिर विद्युत बल माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल स्वतंत्र है, ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। एक तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम, क्या इनसे अलग असमानताएं हैं? असमानता तीसरा पॉइंट ये है कि स्थिर विद्युत बल जो होता है ये काफी शक्तिशाली होता है। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये घर्षण हो रहा है, घर्षण के कारण ये इंक यहाँ पे चिपक जा रहा है, इसको गुरुत्वाकर्षण बल नीचे नहीं खींच पा रहा है, नीचे नहीं खींच पा रहा है, यानी यहाँ पे जो बल काम कर रहा है ये गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होगा, तो अधिक होगा इसीलिए नहीं खींच पा रहा है। तो हम कहेंगे कि स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल, अब आप लोग राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ध्यान दीजिएगा, स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक शक्तिशाली होता है। अगर आपको जानना है कि ये कितना शक्तिशाली होता है तो ये आप देखेंगे कि कहीं कहीं किसी बुक में लिखा रहता है 10 की पावर 27, और या तो कहीं कहीं लिखा रहता है 10 की पावर 37, मतलब 10 की पावर 27 गुना गुरुत्वाकर्षण बल से ये ज्यादा होता है स्थिर विद्युत बल। तो ये कुछ समानताएं और असमानताएं थी गुरुत्वाकर्षण बल और ये स्थिर विद्युत बल के बीच। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आज की क्लास में आगे हम देख लेते हैं कि अभी तक जो पढ़े थे, तो आपके बुक में मैं देख रहा था कि कुछ उदाहरण दिया हुआ है
जो कि हो सकता है एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक आध क्वेश्चन बन जाए उससे, तो डिस्कस कर लेते हैं। अब चूंकि न्यूमेरिकल काफी बड़े बड़े दिए हुए हैं तो हम उसको ब्लैक बोर्ड पे तो लिख नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो काफी समय लगेगा। तो आप क्या कीजिएगा कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल में करा रहा हूँ, तो एनसीईआरटी का बुक रख लीजिएगा और बुक से क्वेश्चन को समझिएगा और क्वेश्चन देख के फिर वीडियो को वॉच कीजिएगा। और जिन लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक नहीं होगा उनके लिए मैं ये क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, ठीक। तो हम देख रहे हैं एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का उदाहरण देखने जा रहे हैं, उदाहरण, चलिए उदाहरण 1.2, उदाहरण 1.2 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें बोला जा रहा है कि कोई दो वस्तुएं हैं और एक वस्तु से दूसरे वस्तु में 10^9 इलेक्ट्रॉन अगर जा रहे हैं प्रति सेकंड, तो हाउ, तो बताइए टोटल चार्ज यानी टोटल आवेश 1 कूलम जाने में दूसरी बॉडी पे कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले कह कह रहा है हम ये समझ लेते हैं। देखिए हमें कैलकुलेशन आपको नहीं सिखाना है, हमें पता है कि आप गुणा भाग कर लेंगे, लेकिन हमें आपको समझाना है, तरीका बताना है, ठीक। तो चलिए समझते हैं, यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि दो बॉडी हैं, मान लीजिए एक बॉडी ए है, एक दूसरी बॉडी बी यानी वस्तु। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो इसमें जा रहा है वो कितना जा रहा है, 10^9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं प्रति सेकंड, हर सेकंड में, ठीक। ये ई फॉर इलेक्ट्रॉन। अब हमसे पूछा जा रहा है कि अब आप वो समय बताइए कि 1 कूलम का आवेश जाने में कितना समय लगेगा, 1 कूलम का आवेश कितना समय लेगा यहाँ इस वस्तु से इस वस्तु में जाने में। तो चलिए हम देखते हैं कि 10^9 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, ठीक। अब हम पढ़ रखे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 × 10^-19 कूलम, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10^9 × इलेक्ट्रॉन की जगह पे 1.6 × 10^-19, ये कितना सेकंड में जा रहा है, 1 सेकंड में, ठीक। अब हमें कितना भेजना था, हमें भेजना था 1 कूलम, 1 कूलम हमें भेजना था, 1 कूलम। तो यहाँ पे हम 1 कूलम की वैल्यू निकालेंगे कितना समय लगेगा, तो 1/10^9 × 1.6 × 10^-19। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट कैसे करते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, 1/ ये पावर पावर जुड़ जाता है, ये 1.6 ये लिख लिए, पावर पावर जुड़ेगा 10^-19 + 9, तो ये कितना हो गया, 1/1.6 × 10^-19 + 9 कितना हो गया, ये हो जाएगा 10^-10, माइनस का साइन लगाएंगे प्लस माइनस माइनस। अब हम इस 10^ को ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 10^10, माइनस नीचे था तो ऊपर जाके प्लस 1.6, 1.6 इसके इसको पॉइंट को जब हम हटाएंगे यहाँ पे तो 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10^ बन जाएगा 11 और ये आ जाएगा 16। अब 16 को हमें डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम बना लेते हैं मान लीजिए 100, 2 जीरो इसमें से ले लिए यानी 2 10 ले लिए, 2 10 ले लिए तो इधर कितना बचा, 10^ इसमें से 11 में से घटा दीजिए 2 9 और नीचे बचा 100, 16। अब इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, 100 को डिवाइड करेंगे आप 16 से कितना आएगा, 16 × 5 = 80, 16 × 6 = 96, इसमें बचा 4 पॉइंट, 16 × 2 = 32 और ये 8 0, 16 × 5 = 80, तो ये आंसर लगभग आ जाएगा आपका 6.25 × 10^9 कूलम, अरे कूलम बोल रहे हैं सेकेंड, हम टाइम पता कर रहे थे 1 कूलम आवेश को इस वस्तु में जाने में कितना समय लगेगा, तो इतने सेकंड का समय लगेगा। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए कुछ जोड़ दिया है, ये जोड़ा है कि 1 कूलम आवेश बनाने में कितना समय लग जाएगा, ठीक।
तो इसका आंसर यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उसको जान लेते हैं वो क्या कह रहा है कि एक कूलम आवेश यानी 10^9 जो है इलेक्ट्रॉन, वो एक बहुत बड़ी संख्या है अपने आप में, तो इसको बनाने में कितना समय लग जा रहा है। तो वो बोल रहा है कि 6.25 × 10^9 जो आया है, तो एक दिन में, अरे एक साल में 365 दिन, एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, और कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो लगभग जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे ये आपके बुक में दिखाया है लगभग 200 साल, 200 साल लग जा रहे हैं एक कूलम आवेश बनाने में। ठीक, ये बस समझने के लिए था। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे उदाहरण की ओर। अगला उदाहरण लेते हैं बुक का। अगला उदाहरण क्या है? उदाहरण नंबर 1.3 ले लेते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि कितना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश एक एक पानी के कप में होगा। ठीक, कितना ऋणात्मक और धनात्मक आवेश एक पानी के कप में होगा। मान लीजिए कोई कप है, इस कप में क्या है, पानी है। अब पानी है तो मतलब H2O है, पानी का फार्मूला पढ़े होंगे रासायनिक विज्ञान में। ठीक, अब हम ये सपोज कर रहा है, हम सपोज करते हैं कि इस कप में कितना पानी है, 250 ग्राम। पानी कितना है, 250 ग्राम। मान लिए कि पानी 250 ग्राम है। ठीक, अब हमें काउंट करने हैं इसके मोल, कि पानी के एक पानी में मोल कितने होते हैं। तो पानी में मोल कितना होता है, पानी में मोल कितना होता है, पानी में मोल होता है 18 ग्राम। पानी में एक मोल बराबर होता है किसके, 18 ग्राम के। तो टोटल इस पानी में, कप कप के पानी में कितना ग्राम हो जाएगा, तो कुल मोल कप के पानी में कुल मोल कितना हो जाएगा। जब पानी में एक मोल इतना के बराबर होता है, तो इतना जब ग्राम है पानी, 250, तो जब 18 से डिवाइड करेंगे तो जो आएगा वो उतना मोल हो जाएगा पानी में। तो ये किससे कटेगा, दो से कट जाएगा, 250 का आधा 125 और इसका आधा 9, मतलब इतना मोल आ गया। ठीक, इतना मोल आ गया। अब इसके बाद क्या बोला है, अब इसके बाद बोला है, हाँ इसके बाद मोल में ये क्या कर रहा है, इन वन मोल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हाँ नंबर ऑफ अणुओं की संख्या गिन रहा है, अणुओं की संख्या एक मोल में, अणुओं की संख्या यानी मॉलिक्यूल्स की संख्या, और ये बराबर होता है एन के। एन क्या है, अवोगाड्रो नंबर, जिसके वैल्यू आप पढ़े होंगे 6.025 × 10^23। ये एक अवोगाड्रो नंबर है। तो टोटल अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, इतने मोल में 125/9 मोल में अणुओं की संख्या, तो क्या करेंगे, इससे पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे, 125/9 × 6.02 × 10^23। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना था, उसका धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश, धनात्मक या फिर ऋणात्मक आवेश कैलकुलेट करना था। तब क्या होगा कि हम ये H2O का आवेश कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, परमाणु संख्या, जैसे ये H2O है, ये भी एक क्या है, पदार्थ ही है, तो इसमें क्या है कि जितनी संख्या में ऋणात्मक आवेश होगा उतनी संख्या में धनात्मक आवेश होगा, यानी जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। तो हम देखते हैं कि परमाणु संख्या
ऑक्सीजन का कितना होता है 8, और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो मतलब 2, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और यही 10 इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके, 10 प्रोटॉन के। ठीक, अब एक इलेक्ट्रॉन में कितना होता है, हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो हम आवेश, पूरा आवेश अब लिखेंगे कि कितना आ जाएगा, आवेश अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, 125 ÷ 9 × 6.02 × 10⁻²³ × 1.6 × 10⁻¹⁹, और ये जो 10 इलेक्ट्रॉन था इसको, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे घर पे आराम से बैठ के करिएगा, जब नहीं आएगा तो मुझसे पूछिएगा, मैं कैलकुलेट करके भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ बुक से देख के, 1.34 × 10⁻¹⁷ कूलम इसका आंसर आ जाएगा, 7 कूलम इसका ऋणात्मक आवेश आएगा। और अगर पूछा जाए कि धनात्मक आवेश, तो क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है, तो धनात्मक आवेश भी उतना ही आएगा, ठीक, क्योंकि संख्या बराबर है, तो आंसर भी उसके लिए भी कितना आएगा, यही आंसर आएगा। ठीक, तो चलिए एक उदाहरण और हम समझ लेंगे, न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आएगा नहीं न्यूमेरिकल। चलिए एक उदाहरण और समझते हैं, 1.4 1.4, इसमें क्या बोला जा रहा है कि आप कूलम के नियम के अनुसार ये स्थिर विद्युत बल और ये गुरुत्वाकर्षण बल के बीच तुलना कीजिए। तुलना करने के लिए रेशियो दिया हुआ है किसके किसके बीच में, ये पहला पॉइंट में दिया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में तुलना कीजिए, और पहले पार्ट में ही दूसरा भाग दिया है कि दो प्रोटॉनों के बीच तुलना कीजिए। ठीक, तो पहले हम इसको देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहले तो तुलना करने की बात बोल रहा है, तुलना करना है किसके किसके बीच में, तो ये F यानी कूलाम के नियम वाला F और Fg यानी गुरुत्वाकर्षण बल, ये कौन सा बल है, स्थिर विद्युत बल, और ये कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो इनके इनके बीच में हमें तुलना करने के लिए बोल रहा है। सबसे पहले जो कंडीशन दिया हुआ है, क्या कंडीशन ये दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में, अरे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में पहले आप तुलना कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश हमने लिया, ये अब इसमें बोला जा रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन हो, चलिए इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, और दूसरा क्या हो, प्रोटॉन हो, प्रोटॉन कर दिए। ठीक, और क्या दिया है, और क्या दिया है, दूरी, तो अच्छा इसके लिए, हाँ इसके लिए दूरी नहीं दिया है, दूरी नहीं दिया है तो हम इसको r मान लेंगे, r² ठीक। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन क्या है, दोनों आवेश हैं। ठीक, और कैसे आवेश हैं, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, यहाँ पे विपरीत आवेश हैं। ठीक, अब हम मास मानेंगे, द्रव्यमान मानेंगे, क्योंकि हमें इससे तुलना करना है गुरुत्वाकर्षण बल से, और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना के लिए हमें द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे एमई, एमई फॉर मास इलेक्ट्रॉन के लिए, और यहाँ पे एमपी, एमपी फॉर किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। तो चलिए अब एफ कूलम के नियम अनुसार फॉर्मूला लगाएंगे, तो क्या आ जाएगा, के ई, और ये पी, क्योंकि Q1 की जगह पे ई है, Q2 की जगह पे पी है, दोनों के बीच कैसा है, एक जैसा आवेश नहीं है, विपरीत आवेश है, इसलिए हम साइन क्या लगाएंगे, नेगेटिव का, इसके बाद नीचे r² ठीक। अब हमें पता है कि ये जो E है, जितना आवेश इसके पास है उतना ही आवेश P के पास भी होगा, क्योंकि समान संख्या में होता है,
तो हम कहेंगे ये पी किसके बराबर है, ई के बराबर है। तो एफ बराबर कितना हो गया, माइनस के ई, और ई मिलेंगे पी की जगह पे ई बना देंगे, तो क्या हो जाएगा ई का स्क्वायर, और नीचे आ गया आर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद हम एफ जी की बात करते हैं। एफ जी में क्या होगा, एफ जी में जी एम वन इंटू एम टू, तो एम वन क्या है एम ई, और एम टू क्या है एम पी, और नीचे आर का स्क्वायर। ठीक, अब क्या करना है कि इस एफ और एफ जी को डिवाइड करके तुलना करना है। तो चलिए हम तुलना करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन था तो इसको हम मॉड में लिख देते हैं। मॉड में जैसे ही लिखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं रहता है फिर। तो ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर बटे में जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आर स्क्वायर कट गया, बचा क्या, के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। ये समझ रहे हैं ना, एम ई का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम पी का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान, और यहाँ पे आवेश लिखाएगा। ठीक, अब इनका द्रव्यमान दिया हुआ है आपके बुक में, एग्जाम्पल को देखिए, एम ई और एम पी का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक, तो इनका वैल्यू हम लिखते हैं। अब के का वैल्यू हम कूलम लॉ में पढ़े थे क्या, 9 × 10⁻¹। ई का वैल्यू क्या होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ स्क्वायर है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया। और जी का वैल्यू होता है 6.67 × 10⁻¹⁺ और एम ई कितना दिया हुआ है, हालांकि ये आपको याद होना चाहिए लेकिन यहाँ पे दे दिया है, 9.1 × 10⁻³¹। और एम पी दिया हुआ है 1.67 × 10⁻²⁷। अब इस पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे, तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग आ रहा है आपका 2.4 × 10⁻³¹। तो ये तो पहले पार्ट का पहला पहला क्वेश्चन का हुआ। अब इसी के तरीके से आपको बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि दो प्रोटॉनों के बीच कीजिए। अब ये आप घर पे करेंगे खुद से। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अब दूसरे कंडीशन में ये दिया गया है कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ना करके अब कर दीजिए क्या, कि यहाँ भी प्रोटॉन और यहाँ भी प्रोटॉन, और यहाँ एम पी और यहाँ एम पी, तो आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होगा। बाकी सब रहेगा स्टेटमेंट यही, यहाँ तक एकदम सेम यही रहेगा, अंतर बस यहाँ पे होगा, जहाँ पे एम ई आप लिखे हैं तो वहाँ पे क्या आ जाएगा एम पी आ जाएगा, मतलब ये मास ऑफ प्रोटॉन का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इतना अंतर आप कीजिएगा, यहाँ पे बस अंतर आएगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है एम ई की जगह एम पी हो जाएगा, बाकी सब यही फार्मूला होगा, और कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक, और कैलकुलेट करेंगे तो बुक में आंसर दिया हुआ है 1.3 × 10³³। तो ये तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट था, और एक पार्ट और पूछा जा रहा है इसी में, त्वरण, एक पार्ट इसी में और पूछा जा रहा है क्या, त्वरण पता करने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं, त्वरण पता करते हैं। ये बी पार्ट, त्वरण, त्वरण हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि एस्टिमेट द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हाँ, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे की जगह पे प्रोटॉन है, और इनके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है, 10⁻¹⁰ मीटर, इतना हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, त्वरण। त्वरण का फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, कहाँ पढ़े होंगे, 11th क्लास में शायद, न्यूटन्स का दूसरा नियम क्या कहता है, एफ इजकल टू एम ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा एफ अपॉन एम, और यही हमें कैलकुलेट करना है। ठीक,
अब हम यदि इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम यहाँ लिखेंगे Fe, अगर प्रोटॉन के लिए कैलकुलेट करेंगे आप तो लिखेंगे Fp। Fe बराबर कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो माइनस, ये निगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक, तो माइनस के ई, और पी भी ई के बराबर ही होगा तो कितना हो जाएगा माइनस के ई स्क्वायर, और नीचे कितना हो जाएगा 10 की पावर -10, तो ये हो गया एफ ई, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें क्या मास, एम ई, मास यानी एम ई, एम ई कितना हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10 की पावर -31 kg। अब फार्मूले पे आप बैठा दीजिए, ए ई कैलकुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का त्वरण, एफ ई अपॉन एम ई, यहाँ से लिख रहे हैं एफ ई कितना है, के का वैल्यू अगर इसको हम मॉड में लिख देंगे तो ये निगेटिव का साइन खत्म, तो के का वैल्यू 9 × 10 की पावर 9, ई का स्क्वायर 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर, इसके बाद 10 की पावर -10, फिर ये वाला वैल्यू 9.1 × 10 की पावर -31। जब ये पूरा आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग कितना आ जा रहा है, 2.5 × 10 की पावर 22 m/s, ये आपका आंसर आ जाएगा जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। और इसी टाइप से आपसे इसी क्वेश्चन में एफ पी भी पूछ रहा है, एफ पी तो अंतर क्या होगा, सब वही रहेगा, यहाँ तक पूरा सेम वही जाएगा, एफ पी में क्या हो जाएगा, ये ए पी पूछ रहा है त्वरण प्रोटॉन का, तो एफ ई अपॉन एम ई लिखे थे तो वहां पे क्या हो जाएगा, एफ पी अपॉन एम पी, एफ पी सब वही रहेगा, बस मास ऑफ प्रोटॉन चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 × 10 की पावर 9 × ये भी इलेक्ट्रॉन की संख्या के ही बराबर होता है, तो 1.6 × 10 की पावर -19 का स्क्वायर अपॉन 10 की पावर -7, दूरी दोनों के लिए समान, प्रोटॉन का मास अब लिखेंगे हम जो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 1.6 × 10 की पावर -27, और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ रहा है 1.4 × 10 की पावर 19 m/s². ये थे हमारे उदाहरण, कुछ जो मुझे ज़रूरी लगा वो मैं बता दिया। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे फिनिश करते हैं, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।